मैं वंशिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ सियासी प्रदर्शन आज। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में बेरोजगारी के मुद्दे पर होंगे सवाल। राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए जिलों के संदर्भ में चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन अफसरों की लेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ MP समेत 5 नए जिलों के OSD भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना ने दिखाया अपना असर। 24 घंटे के अंदर 234 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने मचाई तबाही। CM शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के हालातों को देखते हुए अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार से झारखंड तक CBI के छापे। खंगाले जा रहे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के दस्तावेज। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले CBI ने RJD नेताओं पर कसा शिकंजा। लालू के करीबी MLC सांसद के घर पर भी की गई छापेमारी। द कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर नॉमिनेशन के खिलाफ बॉलीवुड चला रहा है कैंपेन। विवेक अग्निहोत्री ने लगाए कई आरोप। कल श्रम मंत्रियों की बैठक में नई संहिता पर होगा फैसला। अब सप्ताह में 3 दिन नहीं दिया जाएगा अवकाश। विधायक रमाकांत से मुलाकात पर मायावती का वार। कहा जेल में मुस्लिम नेताओं से क्यों नहीं मिलने जाते हैं अखिलेश। UP में देर रात 12 अपर पुलिस अधीक्षकों का तबादला। चंद्र प्रकाश शुक्ला को मिली SIT लखनऊ की कमान। तो ये थी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रही बुलंद हिंदुस्तान के साथ।